गाइस वेलकम बैक, मैं मनाज सिंह और आप लोग का अपनी यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, तो बहुत से लोगों का कमेंट आया था, सर भिन के ऊपर वीडियो दीजिए, छोटी बड़ी है, तो आज मैं आपके लिए उसी पर वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन। दोस्तों, तो आपको डिवाइड भी नहीं करना होगा, एलसीएम भी नहीं लेना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। आप देख करके हमारे भिन्न को बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है, सबसे छोटी कौन है, पूरा बता दें, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो दोस्तों, मैं सवाल बता रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जब तक मैं लगा रहा हूँ उससे पहले आप हमें उसका आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन सामने नजर आ रहा है, उसका कमेंट कीजिए। लास्ट में मैं उसका ट्रिक भी बताऊँगा और सवाल भी हल कराऊँगा और होमवर्क भी दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, 6/11, 13/18, 15/22, 19/36, 5/6। तो ऑप्शन दे रखा है, ए है 6/11, बी है 13/18, और सी है आपका 15/22, और डी है 19/36। तो इसका आप आंसर लगा करके हमें कमेंट कीजिए। लास्ट में मैं आपको इसको बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और बहुत ही आसान तरीके से होगा। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं फ्रैक्शन में होता क्या है। दोस्तों, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मीन्स होता है भिन्न, भिन्न है। तो फ्रैक्शन इक्वल टू होता है गाइस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स होता है अंश, अंश, और डिनोमिनेटर होता है हर। तो भिन्न बराबर हो गया अंश अपान हर। तो जो ऊपर होता है वो अंश होता है, जो नीचे होता है वो क्या होता है, हर होता है। जैसे आपका 6/7 है, तो 6 क्या हो गया आपका न्यूमिनेटर हो गया, और 7 आपका डिनोमिनेटर हो गया। तो ये तो हो गया न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो आइए कुछ और चीज़ें हम सीखते हैं इसमें। तो जैसे दोस्तों, मान लेते हैं हमारा कोई फ्रैक्शन है 1/2 है, 1/3 है। अब इसमें हम पूछ दिए कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो आइए कुछ फॉर्मूले आप लोग 2 और 3 का एलसीएम लेके बराबर करके ऐसा करते हैं तो भी बता कर सकते हैं। तो कहीं जिसके लिए क्या है कॉन्सेप्ट समझिए क्या करना है। तो 1 में पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, अगर यहाँ बड़ा है तो क्या करिए, 1 1 0 दोनों तरफ बढ़ा लीजिए, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ मैंने बढ़ा लिया। अब तो आसानी से भाग हो सकती है ना, तो भाग दे दो, इसका भाग देंगे तो 2 5 10 5 हो गया, और इसका 3 3 9 3.3 हो गया। तो कौन सा इसमें ज़्यादा आ रहा है, ये वाला ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये फ्रैक्शन क्या है, बड़ी हो गई। और ये क्या हो गई, ये आपका लार्जेस्ट हो गया, और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट, ये हमारी छोटी भिन्न हो गई। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हम इसके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें अब देखिए ध्यान देने की बात है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस भी यहाँ देखना होता है, उसके आधार पर हम देखेंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो वो भी बताऊंगा, आप देखिए इस तरह से फ्रैक्शन हम चेंज करके हम देख सकते हैं। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना था, अगर हम 1/2 और 1/3 का अगर डिफरेंस ले रहे हैं, इनका अगर डिफरेंस ले रहा है तो कितना रहा है, 1 आया, अगर घटाएंगे 2 में से गया 1, और इसका अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो 3 में से गया 2। तो हम देख रहे हैं जब डिफरेंस कम है तो भिन्न क्या है, बड़ी है। जब डिफरेंस जो है 2 है, ज़्यादा रहा है, अंतर ज़्यादा रहा, तो भिन्न क्या हो गई, छोटी हो गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, जो डिफरेंस आपका छोटा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, जो डिफरेंस बड़ा होगा घटाने पर अंतर ज़्यादा आएगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी कहलाएगी। अगर आपको ये कह दिया जाए कि डिफरेंस सेम है तब कौन सा होगा, अब जैसे ये कह दिया आपसे कि 2/3, 3/4 और 4/5 और 5/6, अब तो डिफरेंस देख रहे हैं कितना है, इसमें डिफरेंस कितना हुआ 1, और इसका डिफरेंस कितना हुआ, ये भी 1 आया। इसका डिफरेंस निकालेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 ही बचेगा, अब 6 में से अगर 5 जाएगा तो ये भी 1 बचा। अब इसमें कहोगे डिफरेंस तो सर सेम है, अब कौन सी भिन्न बड़ी होगी, तो अब इसमें क्या है, कौन सा बड़ा है। तो याद रखना मेरे बच्चों, जिसमें बड़ी संख्या का प्रयोग हुआ होगा वही बड़ी होगी, जो छोटा प्रयोग होगा वह छोटी होगी। तो इसमें देख रहे हैं 2 है 3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट,
स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और जो बड़ा है इसमें बड़े बड़े अंक है तो ये हमारा हो जाएगा लार्जेस्ट, ये बड़ी होगी फिर, ठीक है गाइस। ये लार्जेस्ट हो गया, ये सबसे बड़ी हो गई, ये सबसे छोटी। अब मान लो आपको कह दिया है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे गाइस, आइए उसको समझते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसका, असेंडिंग ऑर्डर ए एस सी ई एन डी आई एन जी, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो क्या होगा, तो सबसे छोटा क्या 2/3 है, तो ये 2/3 लिख लीजिए। अब इससे बड़ा जो है इस तरह से चीज लगाएंगे, जिधर ए रहेगा वो बड़ा रहेगा, एरो छोटा बताता है, याद रहे डबल है, दो है तो बड़ा, एक है तो छोटा। अब ये 3/4 है 3/4, तो ये 3/4 इसके बाद आएगा, इससे बड़ा कौन है 4/5 है, तो इससे भी बड़ा हो गया 4/5 4/5, अब इससे भी बड़ा आपका 5/6 हो गया। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग आरोही क्रम। एक आता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखना आपको। तो इसमें सबसे बड़ा जो है पहले लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या है 5/6 है, तो 5/6 आप पहले लिखेंगे। अब इसमें तीर ऐसे लगेगा तीर, फिर इससे छोटा 4/5 4/5 लिखिए, फिर इससे छोटा कौन है 3/4 3/4 से छोटा क्या है 2/3, ये 2/3 हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से असेंडिंग डिसेंडिंग में हम इनको लिखेंगे। अब आइए कुछ इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं, देख करके कैसे आप लगा लेंगे क्वेश्चन को, वो हम सॉल्व करा रहे हैं। हमारा है टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप है इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर वाला जो है नीचे वाले से क्या हो कम हो, तो क्या करेंगे। तब इसके लिए फिर इसका पार्ट होता है इसी में टाइप फर्स्ट का, फर्स्ट हो जाएगा क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तब के लिए। तो इसमें फर्स्ट बन रहा है इफ डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सब बराबर है ऊपर कम है और डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा गाइस, जो भिन्न बड़ी रहेगी, जो बड़ी संख्या होगी वही बड़ा होगा, तो ये हो जाएगा लार्ज, लार्ज डिनोमिनेटर, लार्ज न्यूमरेटर इज लार्जेस्ट, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही बड़ी होगी। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन जैसे है, जैसे मान ले लिया हमारा 2/7 1/7 5/7 3/7 ये है। अब इसे पूछ दिया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है और सबसे छोटी कौन है, देख के बता दो। तो इसमें देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सबका तो सेम है ना, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो जो बड़ा है वही बड़ा है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या कौन दिख रही है 5/7 सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो ये हमारी हो गई बड़ी हो गई सबसे, और सबसे छोटा अंक कौन दिख रहा है 1 इसमें दिख रहा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे छोटा हो गया ये, ठीक। इस तरह से हम इसको करेंगे, तो ये तो टाइप इसका फर्स्ट हो गया, अगर न्यूमरेटर जो छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। अब क्या करेंगे, दूसरा टाइप इसका हमारा बनता है इसका, अब सेकेंड टाइप है इसी पर, अब इसका टाइप नंबर 2 है, इसका है टाइप नंबर 2 में इफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज सेम, अगर न्यूमरेटर सेम है अंश सबका एक है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है नीचे वाला दूसरा दूसरा अंक है, तो कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी दोस्तों। तो इसमें क्या करना है गाइस, अगर डिनोमिनेटर दूसरा है न्यूमरेटर सेम है, तो जैसे है 9/11 9/2 9/5 9/7
अब इसमें पूछ दिया कि कौन सी बड़ी भिन्न है, अभी तो आपने देखा कि न्यूमरेटर नीचे बराबर, जो ऊपर बड़ा है वही बड़ा है, तो इसमें भी वही काम करना है गाइस। जो जो इसमें सबसे बड़ा है ऊपर में, ऊपर तो सब सेम है ना, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारा थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम तो इसमें आपका लार्ज नंबर जो है सेम नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया है, लार्ज नहीं होगा बल्कि यहाँ पर स्मॉल, स्मॉल नंबर इज अ लार्जेस्ट। अब अगर इस तरह से अगर ऊपर सेम है नीचे है, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा, तो इसमें देख रहे हैं 11 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो इसमें कौन सा अंक ऐसा है जो सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है, 2 है ना, तो ये 2 सबसे छोटा इसमें नीचे है, ऊपर बराबर है, तो यही क्या सबसे छोटा, तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये बड़ी भिन्न हो गई बड़ी। और छोटी इसमें अगर पूछ दिया कौन सी है, तो छोटी जो सबसे बड़ा अंक होगा नीचे वही सबसे छोटी होगी, तो 9/11 में देख रहे हैं कि 11 सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी ये, इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अगर ऊपर सभी बराबर हैं तो नीचे जाओ, आपका सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा, तो समझते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अब टाइप 3 आ गया। अभी हमने जो क्वेश्चन आपको दिए थे उस टाइप पर हम पहुंच चुके हैं कि इसमें अब चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसको आइए देखते हैं, चेक करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, जैसे अब वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि कितना है ये 6/, तो इसमें आपको ध्यान रखना है डिफरेंस आपको निकालना होगा, डिफरेंस जिसका कम है वो बड़ा और बड़ा होगा, और जो डिफरेंस ज़्यादा होगा वो छोटा होगा। तो आइए देखिए, अभी 6/11 है, 6/11, 13/18, फिर 15/22, इसके बाद है 19/36, इसके बाद है 5/6। तो इसमें सबसे छोटा पूछ रहा है गाइस, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है, तो आइए इसको चेक करते हैं। तो डिफरेंस जो है आप या तो इन सबका डिवाइड करके भी देख सकते हो, डेसिमल मिला करके, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको उस करने में, तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे करना है, समझिए। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितना है, 6 और 11 का डिफरेंस कितना हुआ, 11 में से 6 गया, घटा लो, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचा, 5 बचा ना, तो इसका डिफरेंस 5 आ गया। अब इसका डिफरेंस देखिए कितना रहा है, 18 में से 13 गया, 5 ही बचा, इसका डिफरेंस निकालिए, 22 में से 15 गया, इसका डिफरेंस कितना बच रहा है, 7 बच रहा है, इसका डिफरेंस देखिए 12 में 5 7 बचा, इसका डिफरेंस देखिए कितना है, अब इसको घटा लीजिए, 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 9, 7, 16, 7 बचा, यहाँ 2 में से गया 1, 17 बच गया, और इसका डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसमें देखिएगा डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ 17 डिफरेंस आ रहा है, नज़र 17 आ रहा है यहाँ पर ना, तो ये सभी क्या है, ये सभी ए भिन्न और ए वाले भिन्न, ये देखिए इसका 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1 है, तो ये डिफरेंस सभी क्या है, हमारे बड़े हैं छोटे हैं, और यही 17 देखिए डिफरेंस इसमें ज़्यादा आ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, यही सबसे छोटी भिन्नों की स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यही होगा हमारा स्मॉलेस्ट। तो 19/36 जो है यही राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है करेक्ट है, डी जो है करेक्ट है, इसको हम बता चुके हैं अभी। तो मैं समझता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप डिफरेंस निकालेंगे, जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे छोटी, और सबसे बड़ी वही होगी जिसकी डिफरेंस सबसे कम होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन आएगी, सबसे छोटा डिफरेंस का 1 आ रहा है ना, अगर आपको सबसे बड़ी पूछ दिया लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो लार्जेस्ट कितना होगा, 5/6 होगा सबसे बड़ा, क्योंकि डिफरेंस इसका 1 आ रहा है, तो इसलिए 5/6 सबसे बड़ा, और 19/36 जो है आपको होमवर्क करने की बारी आ गई है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसको करके आप सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट करिएगा, तो मैं समझूंगा कि ये आपको समझ में आ गया। ये सभी क्वेश्चन सुपर टेट में पूछे गए हैं, ठीक है, सुपर टेट में पूछे गए, टेट में, सी टेट, सभी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आपको SW में मैं दे रहा हूँ, इसको करके आप हमें आंसर दीजिएगा। तो ये है 15/16, 19/20 और
24 अपान 25 और इसके बाद 34 अपान 35। तो इसमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, इसमें जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है वो करके आप हमें दीजिएगा गाइस, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए और हमें आंसर कमेंट कीजिए, मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ गया है। तो फिलहाल आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा उसको टच कर दीजिए, और ब्लैक हो गया तो समझो सब्सक्राइब है, अगर ब्लैक में है तब टच मत करिए नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।